क्या आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं और आपको उनको कहीं घुमाने ले जाना है जहां ज्यादा चलना भी ना पड़े और सीढ़ियां भी ना चढ़नी पड़े, तो चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूं ईस्ट पुणे की एक शानदार और ऐतिहासिक धार्मिक जगह पर। इस जगह का नाम है संगमेश्वर शिव मंदिर और इस जगह की क्या विशेषता है मैं वहीं चलकर बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है रोड माई लाइफ और मैं रोड ट्रिप्स का शौकीन हूँ। मैं जब भी आपको घुमाऊंगा तो यह भी बताऊंगा कि पार्किंग से कितना चलना है और कितनी सीढ़ियां हैं। तो चलिए आज चलते हैं संगमेश्वर शिव मंदिर और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर। यदि आप नॉर्थ या वेस्ट पुणे से आ रहे हैं तो आप श्री क्षेत्र आलंदी व मरकाल होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप साउथ या ईस्ट पुणे से हैं तो आप वागोली लोनीगंज से यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट ले लिया जो लोगांव, वड़गांव, शेरी और पिंपल गांव होते हुए आता है, पर गूगल ने मुझे आज फिर फंसा दिया। रास्ता खराब था और एक जगह तो बंद ही मिला, इसलिए मैं कहूंगा आप इस रूट से मत आइए, लोणीगंज या आलंदी वाला रोड पकड़कर ही आइए। जब आप मरकाल पहुंचेंगे तो मरकाल से मंदिर के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना है और आपको मंदिर के सामने ही पार्किंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। गाड़ी पार्क करके आप 2 मिनट पैदल चलकर मंदिर पहुंच सकते हैं। यह स्थान मुख्यतः 4 बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहली, छत्रपति श्री संभाजी महाराज और कवि कलश की समाधि के लिए। यहाँ पर संगमेश्वर शिव मंदिर, श्री विष्णु महाबलेश्वर मंदिर भी है। और चौथी बात और सबसे बड़ी बात है यहाँ की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता, शांति यहाँ के वातावरण को मनोरम बनाती है। मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते ही आपको दाएं हाथ पर पहले संभाजी महाराज की समाधि मिलेगी और थोड़ा आगे बढ़ते ही श्री कवि कलश की। दोस्तों, इस जगह का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और दुखद है। मार्च 1689 में कट्टरपंथी मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने श्री संभाजी महाराज और उनके मित्र और सलाहकार श्री कवि कलश को बंदी बनाया था और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, पर ना संभाजी महाराज पर ना ही कवि कलश ने इस्लाम कबूल किया। फलस्वरूप मुगलों ने उनके प्राण हर लिए। ऐसी धर्म परायणता के उल्लेख इतिहास में बहुत कम है, इसलिए इनको शत शत नमन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो मंदिर प्रांगण के अंदर ही श्री संगमेश्वर मंदिर है जहाँ शिवलिंग विराजमान है। आप यहाँ दर्शन करके थोड़ी देर यहाँ के शांत वातावरण में ध्यान भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक जलपान गृह भी है जहाँ पर चाप चाय और भजिए का आनंद पेड़ की ठंडी छाव में बैठकर ले सकते हैं, पर आज यह होटल बंद था। मंदिर के पीछे ही इंद्रायणी और भामा नदी का संगम भी है और लगभग 50 सीढ़ियां उतरकर और फिर चढ़कर विष्णु महाबलेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं। पर यदि सीढ़ियां नहीं चढ़नी उतरनी है तो आप एक दूसरा रास्ता लेकर भी श्री विष्णु महाबलेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। यह मंदिर भी बहुत शांत और सुरम्य है। यहाँ की आबो हवा साफ और नजारा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। वैसे तो मंदिर के अंदर और बाहर भी जलपान गृह है, पर आप मेन रोड पर आएंगे तो खाने पीने के बहुत सारे होटल है। हमने जिस होटल में खाना खाया उसका स्वाद भी अच्छा था, आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। होटल के मालिक के साथ थोड़ी देर बात करके हमने इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी समझा। दोस्तों, उम्मीद है आपको जगह अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। नमस्ते।